व्यूवर्स, मैं लाहौर जा रही हूँ और लाहौर जाते हुए ये हम लोग इस वक्त पहुँच चुके थे रिंग रोड। हम लोग रिंग रोड के करीब से गुजर रहे हैं। तो लाहौर के साथ मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। मैं लाहौरी में पैदा हुई, वहीं से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद शादी हो गई। तो लाहौर के साथ ना मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जब लाहौर का नाम आता है तो मुझे अपने अम्मी अबू याद आ जाते हैं। मेरे अम्मी अबू फोत हो चुके हैं, दुनिया में नहीं रहे। एक टाइम था जब ना मैं यहाँ पहुँचती थी तो आगे मेरे मुझे लेने के लिए गाड़ी खड़ी होती थी, मेरे भाई आके मुझे रिसीव करते थे और मुझे घर लेके जाते थे। लेकिन ना माँ बाप के मरने के बाद रिवर्स ज़िंदगी में ना बड़ा कुछ बदल जाता है। ज़िंदगी में ना सारी बहारें सब कुछ ना अपने माँ बाप के नाम से ही होता है। तो जनाब जहाँ हम गाड़ियों तक हम छोटे थे वहाँ ना क्या किया था, जनाब मैंने ना रिक्शा करवा लिया था और हम यहाँ से ना रिक्शा करवा के ना हम ना अपनी घर की तरफ जा रहे हैं। तो जनाब सफ़र जो था वो हमारा बहुत अच्छा रहा। मैं पंडी से लाहौर तक था, मेरे साथ मेरी आंटी भी थी, तो बहुत मज़ा आया जी। तो व्यूवर्स हम लोग हैरियत से लाहौर पहुंच चुके हैं। इस वक्त रात के तकरीबन आई थिंक 11 बज चुके हैं, इससे भी बहुत टाइम हो चुका है। सबसे पहले तो आप सबसे सॉरी कि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको अवॉइड कीजिएगा। जिस काम के सिलसिले में मैं लाहौर आई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो चुका है। ये एक अलग बात है कि गाड़ी जो है ड्राइवर ने हमें बहुत तंग किया, उसने फिर क्या किया था कि हमें दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर दिया था। इससे पहले उसने क्या किया, एक और गाड़ी रोक दी, लेकिन वो ना नॉन एसी गाड़ी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हमें पीछे भी बिठा रहा था। तो फिर मेरे साथ जो मेरी आंटी थी उन्होंने कहा नहीं हमने इधर नहीं बैठना, आप हमें ना एसी वाली गाड़ी में बिठाओ। क्यों? क्योंकि आपने हमसे ना किराया एसी वाली गाड़ी का लिया हुआ है। तो फिर जी काफ़ी देर हमने वेट भी किया, हम लोग लेट भी हो गए। ड्राइवर बार बार हमें यही कहता रहा कि आप खुद ही लेट हो रहे हैं, मुझे क्या है। तो हमने उसको ये कहा कि भाई आपने जब हमसे किराया एसी वाली गाड़ी का लिया तो आप एसी वाली गाड़ी में बिठाओ। तो फिर उसने क्या किया कि उसने गाड़ी अरेंज की और हम वो जो एक बड़ी सारी गाड़ी थी होती है जो आई थिंक मुझे उसका नाम नहीं आता, उसमें उसने बिठा दिए एंड पे जाके हमें वो झटके लगे कि आपको मैं क्या बताऊँ। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम हैरियत से घर पहुंच चुके थे और जिस काम के लिए मैं आई थी वो काम हो चुका था। तो अब इस टाइम ना हम सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो बाकी अपडेट्स मैं आपको कल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बी न्यू व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आप सब हैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मैं लाहौर आई हुई हूँ और यहाँ मैं बहुत बिजी हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट काम थे उनको निपटाने के चक्कर में थी। बट ये था कि मेरी कोशिश थी पूरी कि मैं साथ साथ आपको आप लोगों को ना लाहौर के बारे में भी कुछ बताऊं, बट मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, नहीं व्लॉग बना सकी। कल मार्केट भी गई थी, कल शॉपिंग भी की, उसका व्लॉग नहीं बना सकी। तो गला मेरा पहले से बेहतर है, आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा। तो जनाब आज यहाँ पर ना मैं लाहौर में मैक्रोनी बनाने जा रही हूँ और मैक्रोनी बनाने में हेल्प मेरी कर रही हैं, बल्कि बना रही हैं फातिमा, बना रही हैं जो मेरी शेफ़ हैं लिटिल शेफ़। तो यहाँ पर फातिमा ने जी शिमला मिर्च काटी है और साथ में कैरेट्स काटी हैं, ये चिकन रखा हुआ है और ये नूडल्स हैं। बाकी ना अभी मैक्रोनी बॉयल करेंगे रखी है फातिमा ने, और अभी ये ना स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि साथ हम कैसे इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो व्लॉग में हमारे साथ रहेगी, आपको बहुत मज़ा आएगा व्लॉग देख के। तो यहाँ पर ना हम लोग मैक्रोनी को निकाल रहे हैं और इसको छलने में डाल दिए। अब जी इसके ऊपर ना हम ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये चिपके ना। नलका खोल दो बेटा, ये देखिए। अगर आप इसको छोड़ देंगे ना तो इससे क्या होता है कि मैक्रोनी ना चिपक जाती है। जब ठंडा पानी ऐड कर देते हैं ना तो मैक्रोनी चिपकती नहीं है, स्टिकी नहीं होती, ज़्यादा स्टिकी हो जाती है अदरवाइज ना। तो भी बस यहाँ पे ये सिस्टर के घर आई हुई है ना लाहौर में, तो जी ना वहाँ यहाँ पर ना मैं नगेट्स फ्राई करने लगी। तो साथ में यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑयल रखा है फातिमा ने, इसमें अभी ये ऑयल ऐड करेगी ऑनियन, ये सारी तरह पड़ी हुई हैं, ये नगेट्स फ्राई हो रहे हैं यहाँ पे। हुरन को देखें खेल रही है, क्या कर रही हो पूरी, इधर देखो ना, छेड़ो दराज बंद कर दो। ये तो भी बस यहाँ पे नगेट्स फ्राई हो चुके हैं और इनको ना मैं निकाल रही हूँ ये पटावर पे, ये देखें। यहाँ पे नगेट्स फ्राई हो चुके हैं
और अब हम ना नौश फरमाने जा रहे हैं। ये तो व्यूअर्स यहाँ पे जो हमारी मैकरोनी है वो बनना स्टार्ट हो गई है, इससे आपको हुरैन की आवाज़ आ रही है। अब इसमें हमने ऑयल डाल के प्याज हल्का सा फ्राई किया है, इसमें इसने डाल दिया है फातिमा ने जी टमाटोज डाले हैं और सोया सॉस और अभी विनेगर डाल रही है। अभी क्या डाल रहे हो आप? अभी ये डाल रही है जनाब विनेगर, मेरे सोया सॉस डालें। विनेगर डाल रही है हल्का सा पानी डालो, ये जल जाएगी जल्दी जल्दी। जल्दी लेके आओ बस जल्दी। इसमें गार्लिक भी डाला हुआ है, ठीक है। अब डाल दो मसाले, या सॉल्ट और रेड चीज़ डालनी है। अभी ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे बच्चे नहीं खाते, फिर बच्चों ने भी खाना ना नीचे नहीं खाएंगे। अब इसके बाद आप क्या ऐड करोगी? वेजिटेबल्स ऐड करोगी? डालो डालो, वेजिटेबल भी ऐड कर दिए जनाब। और साथ ही ना इसके हम इसका जो नूडल्स का टेस्ट मेकर होता है ना वो भी डाल देते, टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और हुरैन की आवाज़ आपको आ रही है, वो सर सर रो रही है। व्यूअर्स यहाँ पे वेजिटेबल्स के बाद चिकन भी ऐड कर दिया, श्रेड करके ना बॉईल करके, और उसको श्रेड करके वो भी ऐड कर दिया इसमें, और इसके अंदर थोड़ी देर आप भुनाई करेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे व्यूअर्स वेजिटेबल्स और जो चिकन था हमारा वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मैकरोनी। हम नहीं, फातिमा, फातिमा इज़ मेकिंग मैकरोनी। तो फातिमा जो है वो जनाब इसमें ऐड कर रही है मैकरोनी। फातिमा की फेवरेट डिश है मैकरोनी। व्यूअर्स आपको एक बात बताऊँ, फातिमा को मैकरोनी बहुत पसंद है। फातिमा और क्या बनाओगी आज? ब्राउनी बनानी है आपने कि नहीं? फातिमा के अंकल ने कहा कि ब्राउनी बना के खिलाओ। फातिमा की ब्राउनी की बड़ी हमने तारीफ सुनी है। तो अब जनाब यहाँ पे फातिमा क्या कर रही है? मिक्स कर रही है। पीछे हुरैन भी आ गई है रोती हुई। बस हमारी मैकरोनी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है, और अभी थोड़ी देर तक हम मैकरोनी सर्व करेंगे, फिर आपको मैकरोनी के बारे में बताएंगे कि कैसी बनी। वैसे बहुत डिलीशियस बनी है, फातिमा माशाल्लाह से बहुत अच्छी मैकरोनी बनाती है। तो व्यूअर्स हमारी मैकरोनी बनकर तैयार हो चुकी है, और यहाँ हम आपको ना मैकरोनी के फाइनल लुक दिखाएंगे। ये देखिए बहुत मज़े की बनी है, बहुत यम्मी है। चेक करो क्या हुआ है, इसके इन्फेक्शन हुआ है, हुरैन का इन्फेक्शन हुआ है, दिखाओ ये ला। चेक करो जरा, चेक। ये गंदी है। अच्छा इसने गंद किया है। अच्छा इसके दांत गंदे हैं। अच्छा अच्छा, आप इसके दांत चेक कर लेते कि इसकी जुबान। तो व्यूअर्स आज इधर मैं लज़ानिया बना रही हूँ, ये मेरी सिस्टर को बहुत पसंद है, तो इसके लिए जनाब मैंने ये चीज़ें मंगवाई हैं उनसे। तो ये अभी लज़ानिया स्ट्रिप्स हैं, यहाँ पे जनाब मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिए लज़ाने के लिए, इसमें सॉल्ट और अभी ऑयल में डाला, ठीक है। मैंने कहा आपको दिखा दूँ साथ साथ। व्यूअर्स यहाँ पर मैंने लज़ानिया स्ट्रिप्स पानी में बॉयल आ चुका था ना, डाल दिए, और ये जिस तरह मैंने डाली है ना, इस ये आहिस्ता आहिस्ता ना खुद ब खुद ही अंदर चली जाएंगी, ठीक है। इस चीज़ से परेशान नहीं होना आपने कि ये क्या होगा, ये जब आहिस्ता आहिस्ता ना खुद ही अंदर, ये देखें ये खुद ब खुद अंदर हो जाएंगी इस तरह से। और जब भी आपकी रेसिपी बनाए ना, तो
इस चीज़ से परेशान नहीं हो जाना कि अच्छी नहीं बनेगी। फर्स्ट टाइम बनाएं मे भी अच्छी ना बने, लेकिन सेकंड टाइम बनाएंगे बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मेरे साथ वीडियो में रहिएगा, आपको मैंने लज़ानिया बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ठीक है, आपने पूरी वीडियो देखनी है और स्किप नहीं करनी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी लज़ानिया सिर्फ जो है बॉयल हो चुकी है, इनको ज़्यादा बॉयल नहीं करना, अपने हलवा बन जाती है। मैं इनको जल्दी जल्दी से ना निकाल दूंगी, ठीक है, ठंडे पानी में डाल दूंगी ताकि ये ख़राब ना हो हमारी। ठीक है, यहाँ पे ना हमने लज़ानिया सिर्फ को बॉयल करके ठंडे पानी से निकाल के, तो मैंने क्या किया जनाब, किसको ना अकॉर्डिंग अपना जो मेरा पैन है ना बेकिंग का, उसके हिसाब से इसको मैंने कट कर लिया। ठीक है, आपके पास जो भी पैन हो आपने ना उसके अकॉर्डिंगली ना, अगर तो आपके पास ज़्यादा बड़ा पैन है तो आपको कटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैंने काट लिया। ठीक है, अब आगे बताती हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम लज़ानिया के लिए वेजिटेबल्स काट रहे हैं। ये मैंने शिमला मिर्च काट लिया है, ये प्याज है, ऑनियन है, ये इधर गार्लिक है। अभी इसको मैं ऑयल में डाल के इन चीज़ों को ना सौते करूँगी और इसके साथ चिकन डाल दूँगी। ठीक है, जो चिकन हमने ना लेयर्स में डालना है वो बना रहे हैं इसके लिए। ठीक है, इसकी सॉस बनेगी, अभी इसका व्हाइट सॉस पास्ता बनेगा, तो अभी बड़े प्रोसेस हैं, देखते रहिए। बस यहाँ पे हमारा जो प्याज है वो हल्का सा ब्राउन हो गया, इसी स्टेज पे ना इसमें मैं ना अभी गार्लिक ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो अभी स्टेज पे इसमें ना मैं शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी। कितना प्यारा लग रहा है ना इसका कलर, ग्रीन ग्रीन सा माशाल्लाह, नेचुरल नेचुरल चीज़ें जो अल्लाह पाक ने जो भी चीज़ बनाई है ना दुनिया में भी बस वो बहुत ही प्यारी है। देखिए नेचुरल ग्रीन कलर है ना इसका, कंपेरिजन में ना कोई भी कलर आर्टिफिशियल कलर नहीं आता। तो मैंने इसमें ना शिमला मिर्च ऐड की थी, इसके साथ ही मैंने इसमें टमाटो, एक टमाटो ऐड किया है। अब इसमें ना मैं ऐड करूँगी जनाब केचप। ठीक है, इसमें ना मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून ना डाला है जनाब केचप। अब इसमें ना मैं डालूँगी ब्लैक पेपर, डालने जा रही हूँ जी, देखें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल रही हूँ मैं, और हाफ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाले, इसी से आपने ना बच्चों की आवाज़ें अवॉइड करनी, क्योंकि बच्चों वाला घर है, मेरे बच्चे भी आए हैं, मेरे सिस्टर के भी हैं माशाल्लाह से, तो आवाज़ें आएंगी आपको, तो इसको आपने अवॉइड करना। यहाँ पे मैं इस स्टेज पे इसमें ना ऐड करने जा रही हूँ चिकन, ये देखें इस बैटर में ना मैं ये चिकन ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने इसमें 2 टेबल स्पून चिली सॉस भी ऐड कर दिया। ठीक है, कितना मज़े का, कितना डिलीशियस का लग रहा है ना ये वाला पेस्ट सारा माशाल्लाह। यहाँ पे हमने जो हमारा बैटर है उसको पकने के लिए रख देना है ओपन करके 15 से 20 मिनट्स के लिए। और यहाँ हम अब व्हाइट सॉस बनाने जा रहे हैं, इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून बटर डाल दिया है, मैदा ऐड कर दिया था 2 टेबल स्पून। अब इसको हमने भूनना है, मुसलसल आपने चम्मच चलाना है, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी मिल्क। व्यूअर्स, अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, इसमें मिल्क ऐड करने के बाद इसमें मैंने 1 टी स्पून सॉल्ट, 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर और 2 पिंच मैंने ओरिगैनो डाल दिया, और इसमें मैंने 1 चीज़ का स्लाइस डाल दिया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये चीज़ जो है। ठीक है, जब ये मेल्ट हो जाएगी ना तो ये जो बैटर ना मज़ीद ठीक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर हम पकाते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स, हमारा जो चिकन का बैटर था वो रेडी हो चुका है। ठीक है, फिलिंग में डालेंगे ना हम ये जो अभी हमने मसाला बनाया है चिकन शिमला मिर्च का, ठीक हो गया। और जनाब यहाँ पे जो हमारी वाइट सॉस थी ना यम्मी यम्मी सी, इतनी मज़े की, मैंने अभी टेस्ट की है तो बहुत ही मज़े की, ये भी हमारी वाइट सॉस भी हमारी रेडी हो गई जनाब। व्यूअर्स, आप असेंबलिंग टाइम है, तो मैंने क्या किया जनाब, हमने ना इस पैन को ना हमने ग्रीस कर लिया। इसमें ना अभी ना मैं सबसे जो फर्स्ट लेयर लगाऊंगी ना व्हाइट सॉस लगाऊंगी। बस यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने सबसे नीचे व्हाइट सॉस डाली है, उसके ऊपर लज़ानिया स्ट्रिप्स डाल दिए, उसके ऊपर मैंने ये लेयर्स डाल दी है इसकी चिकन की, शिमला मिर्च का जो हमने बनाया था बैटर। ठीक है, अब इसके ऊपर ना हम ऐड कर देंगे जी, इसके साथ हम ऐड कर देंगे चीज़। ठीक है, और हम लेयर्स लगाएंगे, 3 लेयर्स लगानी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने चिकन की लेयर लगा दी है, व्हाइट सॉस डाल दी और मैंने चीज़ भी डाल दी। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं सेकंड लेयर लगाने लगी हूँ। जो तो व्यूअर्स, हमने ना लज़ानिया की लेयर्स बना ली हैं, देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है लज़ानिया। जैसे फर्स्ट लेयर लगाई थी ना मैंने, उसी तरह सेम मेथड से व्हाइट सॉस, ये चिकन वाला बैटर और चीज़ डाल के मैंने इसी तरह 3rd लेयर भी लगा दी। और अब हमने क्या करना, ओवन को मैंने रख दिया था प्री हीट होने के लिए। कभी कभी ज़ुबान फिसल जाती है मेरी, बहुत सारे व्लॉग्स में ऐसा होता है, आपने देखा होगा। खैर कोई बात नहीं, इंसान हो ना। तो अब जिसके ऊपर जी मैंने चीज़ भी डाल दी, व्हाइट सॉस भी डाल दी, चिकन का बैटर भी डाल दिया, और ओवन जो था ना हमारा वो ऑलरेडी जो
है प्रीट हो चुका है। अब इसको ना हम रख देंगे बेक करने के लिए। अब ये डिपेंड करता है ओवन पे कि आपका ओवन कैसा है, तो जो बेकिंग की टाइमिंग होती है उसके हिसाब से ना फिर हम इसको चेक करती रहती हूँ। मैं बताऊँगी आपको, वैसे 25 to 30 मिनट या 30 to 35 मिनट्स लग जाते हैं, ज़्यादा जल्दी भी बन जाता है। आपने चेक करते रहना कि ये ना ऊपर से ज़्यादा बेक हो गया फिर जल जाता है, ठीक है। तो चलें व्यूअर्स, हम चलते हैं इसको ओवन में रखने के लिए। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर ना हमारा जो ओवन है प्री हीट हो रहा है। मेरे साथ क्या हुआ जनाब कि मैंने सारा ना बैटर रेडी करके जैसे ही ओवन में रखने लगी ओवन को प्री हीट करके, तो क्या हुआ हमारी लाइट चली गई जनाब। अभी लाइट आई है तो ना अभी ये हमारा रखा हुआ है लज़ानिया, और इसको ना अभी हम ना ओवन में रखने जा रहे हैं, ठीक है। आए व्यूअर्स, लज़ानिया को ना हम रखते हैं ओवन में। व्यूअर्स ये देखें लज़ानिया, अब ये बेकिंग के लिए जा रहे हैं। इसको मैंने 10 मिनट्स के लिए रखा था प्री हीट होने के लिए। अब हम इसको चेक करेंगे आफ्टर 20 to 25 मिनट्स। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे ब्राउनीज बन के रेडी हो चुकी हैं, और ब्राउनीज बनी है जी फरमाइश पे बनी है, मेरे कज़न है, सिस्टर के हस्बैंड है, उन्हें बहुत पसंद है ब्राउनीज। ब्राउनीज ना बहुत केकी और बहुत ही ना क्या कहना चाहिए सॉफ्ट बनी है, उन्होंने थम्स अप दिए, उन्होंने कहा कि बहुत मज़े की बनी है ना भाई मेरी। तो इसकी ना आपने नहीं जाना इस पर शक्ल पे, हुआ क्या था कि ना इनके पास ना घर में इधर ना वो नहीं है, मुझे होता है ना टिन क्या कहते हैं यार, पैन नहीं होता जो ब्राउनी वाला, वो नहीं था। एक पैन मैंने मंगवाया यहाँ के, उसमें मैंने लज़ानिया बेक कर लिए, और इसके लिए जो मतलब घर में मतलब मेरे पास काफ़ी सारे पैन्स पड़े हैं ना, तो यहाँ पे नहीं था। फिर हमने क्या किया कि इसका जुगाड़ निकाला, हम पाकिस्तानी को हम जुगाड़ निकाल लेते हैं। मेरे सिस्टर के पास पड़ा हुआ था वो जो दिल वाला नहीं तो हार्ट वाला पैन, उसमें बनाई है फातिमा ने ब्राउनीज। तो फिर क्या किया जी हमने ब्राउनीज बना कर, तो उसको हमने कट कर लिया है। कट करके देखें ब्राउनीज है ना, हमारी ब्राउनीज है, हमारी मर्जी, हम जैसी मर्जी शेप रखें भाई। तो उसको ना हमने कट करके तो इस तरह की शेप बना ली है। तो बहरहाल बड़ी ना एट द एंड मज़े की बन गई है, और फातिमा को ना थम्स अप मिला ये वाला, वंडरफुल एक्सेलेंट डिलीशियस। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा जो लज़ानिया है वो पक के रेडी हो चुका है, बेक हो चुका है। देखिए आपको लुक दिखाती हूँ मैं, हाथ जल रहा है, थोड़ा क्लोज करो, माशाल्लाह, ठीक है। अब इसको ना मैं आप निकाल कर दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, फाइनली आवर डिलीशियस लज़ानिया इज रेडी, माशाल्लाह से बहुत बहुत यमी बना है। जरूरत बेटा थोड़ा पीछे हो ना, बहुत यमी बना है। और अब जी हम क्या करेंगे, अब इसको हम टेस्ट करके दिखाएंगे, बताएंगे आपको किसका टेस्ट कैसा है। देखिए देखिए वैसे ओवरऑल लुक ना बहुत मज़े की है। और एक चीज़ बताऊँ, ये जो ओवन, हर ओवन की ना टाइमिंग डिफरेंट होती है। ये जो ओवन यहाँ पे ये एनएक्स का ओवन है, तो इसकी ना माशाल्लाह से कमाल की वो क्या कहना चाहिए वर्किंग है। आई थिंक 20 मिनट्स में ना ये जो लज़ानिया था ये बेक हो चुका है, और माशाल्लाह से आपके सामने देखें जी। तो व्यूअर्स, अब हमारा टाइम आ गया जी, हमने इसको डिश आउट करना है, तो ये आपके सामने है देखें, क्या चीज़ी टेक्सचर है माशाल्लाह से। गरम बहुत भाई, अभी बहुत गरम है, तो मुझे एक कांटा ज़रूरत होगा। ये देखें जनाब व्यूअर्स, ठीक है। अब पता है आपको टेस्ट कौन करेगा इसे, मेरी प्यारी सी जो भांजी है जन्नत, अब वो हमें बताएंगी कि हमारा जो लज़ानिया है वो एक्चुअल में कैसा बना है, ठीक है। तो अब हमने इसको ट्राई करवाते हैं जन्नत को। जी तो जनाब, ये है मेरी प्यारी सी क्यूट सी भांजी जन्नत। जन्नत माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड है। इसको इसकी फरमाइश थी जनाब के ब्राउनीज और लज़ानिया बनाया जाए। आज वैसे मैंने चले जाना था वापस रावलपिंडी, लेकिन ना आज ना क्योंकि मैंने बनानी थी डिशेज ये वाली रेसिपीज, तो इसलिए ना मैं यहाँ पे रुक गई हूँ। तो चलिए आप ट्राई करते हैं, बताते हैं जन्नत को टेस्ट करवाते हैं, जन्नत हमें बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है लज़ानिया का। जी जन्नत बेटा, सच में झूठ तो नहीं बोल रही, ऐसे तो नहीं कह रही ऊपर ऊपर से, सच में अच्छे गए, अच्छा लगे, मजे गए,
चलिए थैंक यू। तो वीवर जन्नत ने ना पास कर दिया लदानिया हमारा। देखो क्या ये लदानिया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। यहाँ पे ना हम लदानिया सर्व कर रहे हैं, ये जन्नत खा रही है माशाल्लाह से। और इधर जो हमारा क्यूट सा अली है, इसने इतना प्यारा कमेंट दिया अभी। अच्छा बेटा अली कैसा लग रहा है आपको लजानिया, कैसा है बताओ। अभी आपने क्या कैसा बना है, टेस्टी बना है माशाल्लाह। अली कह रहे लजानिया बहुत टेस्टी बना है माशाल्लाह। इसको कांटा भी दुखाने के लिए साथ खा रहे हैं। अच्छा जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हुरैन और अली, ये मेरा भांजा है, मेरी सिस्टर का बेटा है, माशाल्लाह से बहुत नॉटी और बहुत टैलेंटेड भी है। तो ये दोनों ना बैठे आपस में ना खेल रहे हैं और बातें कर रहे हैं, और बच्चों की ज़बान बच्चे ही समझते हैं। हम इन दोनों को देख के बहुत इंजॉय कर रहे थे हम लोग, ये दोनों कैसे खेल रहे हैं। तो व्यूअर्स ये था मेरा व्लॉग लाहौर का, और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पार्ट टू जो है लाहौर के व्लॉग का, वो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, वो बहुत मज़े का है। उसमें आपको बहुत कुछ न्यू देखने को मिलेगा, उसमें बहुत मौज मस्ती है जनाब, बहुत कुछ है, बहुत कुछ न्यू चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी। तो आपने पार्ट टू को भी ज़रूर देखना है। और जनाब मेरी वीडियो के नीचे कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर।